ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा मुंबई दिल्ली ऑफिस में, तो मैंने उससे पूछा सबसे पहला मुझे ड्राइविंग का वीज़ा चाहिए, तो मेरे साथ में दो हेल्पर थे, तो मैंने उसको बोला कि दो हेल्पर के वीज़ा भी चाहिए। ठीक है, तो एक ड्राइवर का चाहिए, दो हेल्पर का चाहिए। अगर एक ही कंपनी में होता तो एक ही कंपनी के चाहिए, अगर एक कंपनी में नहीं हो रहा तो अलग अलग कंपनी का, तो भी कोई बात नहीं, मगर मुझे चाहिए वीज़ा। उसने बोला इस टाइम कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, वीज़ा मात्र एक कंपनी के हैं, वो भी उसने बताया था शायद अलगहोम कंपनी की वीज़ा बताया, उसने बोला अलगहोम कंपनी की वीज़ा। तो मैंने उसको पूछा सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, वो बोला हेलो एवरीवन, कैसे हो आप, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आप लोग को शायद मालूम होगा, इससे पहले अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे, मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में कुछ ऑफिस ढूंढा हूँ, और ऑफिस ढूंढने के बाद जो मुझे वहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया, तो मैं वहाँ से रिटर्न आया हूँ अपने घर पे, मेरा काम जब वहाँ पे नहीं हो पाया तो मेरा चलो घर ही चलते हैं। मगर मुझे जो कुछ देखने को मिला है, जो कुछ फेस करने को मिला है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये देखने को मिला कि जिस ऑफिस से मैं गया था यहाँ से सऊदी, और जो ऑफिस में अब देख के आया हूँ, उसमें कितना फ़र्क, कितना डिफरेंस मेरे को मालूम पड़ा है। और मान लीजिए मैं तो एजेंट से गया था, जो यहाँ पे मेरे गाँव में, गाँव से कुछ कुछ दूर था एजेंट, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर था एजेंट, वहाँ से उसका कॉन्टैक्ट था दिल्ली, सॉरी मुंबई में, यहाँ से उसका कॉन्टैक्ट था मुंबई में, जब वो मेरा वीज़ा वहाँ से लगवा के मेरे से यहाँ से पैसा लेके मेरे को वहाँ से सऊदी भेजा था। तो मुंबई में जो उसका ऑफिस था, जो उसके कॉन्टैक्ट का ऑफिस था, वो जो आज मैं ऑफिस देख के आया हूँ, हालांकि मैं कल आ गया था, जब कल आया था तो वहाँ से तो कम से कम 8-10 ऑफिस देखा हूँ मैं, और जो मेरी लिस्ट में ऑफिस थे मैं उन्हीं देखा हूँ सिर्फ, बाकी कोई ऑफिस नहीं देखा। आप लोग को इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ फोटोज़ भी दिए थे, वो ऑफिसेज मैं देखा हूँ, जो फोटोज आपको, हालांकि मैं आपको 4-5 फोटो दे पाया था, क्योंकि मैं जो फोटो वहाँ पे खींचा था वो फोटो दे पाया था, जो नहीं खींचा था उनका नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो फोटो आप लोग को नहीं दे पाया था। ठीक है, तो वो ऑफिस मैंने देखे थे, 7-8 ऑफिस देखे थे, मगर जिसमें जो ऑफिस देखे थे उनकी कैसी बात थी, क्या बोलते थे वो, क्या करते थे वो, क्या कहते थे उन, मैंने उनसे पूछा था कि वैकेंसी किस किस चीज़ की है, क्योंकि मुझे ड्राइवर में चाहिए, दो मेरे साथ हेल्पर में थे, मैंने जो उनको बताया तो उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई में जवाब दिया था, सब कुछ आपको बताऊंगा आगे। और कितना फ़र्क होता है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, इस चीज़ सुन के ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी से चैनल पर नहीं चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ऐसे कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि ऐसे ही जानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग के लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ, जिस चीज़ का पता लगाने जो ढूंढने जा रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी जा रहा हूँ और आप लोग के भी लिए भी जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली होगा, कि मैं यहाँ पे आऊँ इतने अच्छे पैसे में, आऊँ इतने कम पैसे में, इतने अच्छे काम में, इतनी अच्छी सैलरी में आया हूँ, ये आप लोग को जरूर बताऊँगा मैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते हो यार, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो एक आध, क्योंकि आप लोग लाइक जितना करते हो उतना ज़्यादा मुझे हौसला मिलता है कि हाँ मेरे भाई लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन्हें टॉपिक पसंद आ रहा है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि देखिए, मैं इससे पहले आपको बताया था, मैं इससे पहले कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, मैं किससे गया था, कहाँ पर गया था, कौन से सैलरी में गया था, कौन सा कफिल मुझे मिला था, कौन से मुसस्से में था, मैं कंपनी में था, मैं किस में था, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। हालाँकि सऊदी अरब जब मैं गया था इससे पहले, मैं 7 साल पहले भी ट्राई किया था जाने के लिए, पर मेरा मेडिकल अनफिट हो गया था तो नहीं जा पाया था, वो भी वीडियो में बना के डाला हूँ, आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो मैं जब यहाँ सऊदी अरब गया था, तो मेरा एजेंट था यहाँ से 7 किलोमीटर, मेरे गाँव से दूर है 7 किलोमीटर गाँव उसका, तो वहाँ से एजेंट था, उसका कॉन्टैक्ट था मुंबई ऑफिस में, उसने मुझे वहाँ से सऊदी भेजा था, मेरे कफिल के पास, मेरा मुसस्सा था वहाँ पर सऊदी अरब में, मुसस्से में कफिल के पास काम करता था मैं, वहाँ से मेरे कफिल से थोड़ी खिसखिस हो गई थी, मैं वहाँ से वापस चला आया था। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे, अब मैं जब गया हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे सब मालूम ही पड़ गया, सऊदी 1-1.5 साल कम से कम रुका वहाँ पे जाके, तो मुझे वहाँ के रूल, वहाँ के कानून और वहाँ का फ़िलहाल जो थोड़ा बहुत जितना मैं सीख सकता था वहाँ पे मैंने सीखा, सऊदी अरब में सीखा, आप लोग तक भी जानकारी पहुँचाई। तो दोस्त बस यही था, मैं जब यहाँ से, जब इस ऑफिस से गया था मुंबई ऑफिस से, दूसरी बात मैं जब दिल्ली ऑफिस पहुँचा, दिल्ली ऑफिस में मुंबई ऑफिस में मैंने इतना फ़र्क देखा कि मैं दिल्ली ऑफिस पहुँचा, क्योंकि मैं ये अभी देख के आया हूँ 2 दिन पहले, और जो मुंबई देखा था मैं 1.25 साल हो गया मुझे देख के, तो मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा, क्योंकि ये एजेंट का कॉन्टेक्ट है वहाँ पे, और जो मैं गया था इसमें कोई एजेंट काम नहीं करते, इसमें एजेंट काम करते भी होंगे तो पता नहीं कैसे होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से इसमें एजेंट काम नहीं करते, क्योंकि ये मैन पावर एजेंसी है, इसके पास इतने पासपोर्ट और लेडी पड़े रहते हैं कि ये किसी एजेंट को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको। ठीक है, तो मैं जब यहाँ से गया तो सबसे पहला मैं गया था आर के इंटरनेशनल में, मेरे भाई कमेंट भी कर रहे थे कि आप कौन से ऑफिस गए थे, तो मैं गया था सबसे पहले आर के इंटरनेशनल में गया था, और हालांकि मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इसी ऑफिस से जाइएगा, आप लोग को पसंद देखिए, पसंद करिए, मैं पूरी लिस्ट दे के रखा हूँ, इससे पहले एक वीडियो बना के रखा हूँ पूरी, उसमें 1225 ऑफिस इसमें लिस्ट दे के रखा हूँ, आप लोग जाके उसमें देख सकते हो, अपने हिसाब से अपने ऑफिस को चूज़ कर सकते हो आप लोग, क्योंकि 1225 ऑफिस है, हो सकता है आपके स्टेट में मिल जाए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ,
उसमें यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं भी आप मतलब दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आप रहते हो उसमें हर जगह पे ऑफिस दिए गए हैं, सब मैन पावर एजेंसी। हालांकि आप लोग पहले जाके देख सकते हो, उसके बाद में आप लोग जाके ऑफिस पता कर सकते हो, ऑफिस जाके देख सकते हो, अगर अच्छे लगे तो आप लोग जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बाकी जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। बाकी ऑफिस का जो ऑफिसर की लिस्ट थी वो मेरा काम था आपको देना, मैं आपको दे चुका हूँ, पीडीएफ पड़ा हुआ है पूरा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग जाके, उसके बाद में आप लोग आराम से देखिएगा जाके। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा मुंबई दिल्ली ऑफिस में, तो मैंने उससे पूछा, सबसे पहला मुझे ड्राइविंग का वीज़ा चाहिए, और जो मेरे साथ में दो हेल्पर थे, आप लोग को इससे पहले दिखाया भी था वीडियो में, दो हेल्पर थे, मैंने उसको बोला कि दो हेल्पर के वीज़ा भी चाहिए, ठीक है। तो एक ड्राइवर का चाहिए, दो हेल्पर का चाहिए, अगर एक ही कंपनी में होता तो एक ही कंपनी के चाहिए, अगर एक कंपनी में नहीं हो रहा तो अलग अलग कंपनी को, तो भी कोई बात नहीं, मगर मुझे चाहिए वीज़ा। उसने बोला इस टाइम कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, वीज़ा मात्र एक कंपनी के हैं, वो भी उसने बताया था शायद अलगाउम कंपनी की वीज़ा बताया, उसने बोला अलगाउम कंपनी की वीज़ा है। तो मैंने बोला अलगाउम कंपनी, तो बोला सैलरी, तो मैंने उसको पूछा सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, वो बोला हेल्पर की वीज़ा है, बोला ड्राइवर का नहीं, हेल्पर की वीज़ा, अलगाउम कंपनी के, सऊदी अरब के। तो मैं बोला इसमें सैलरी कितनी रहेगी, तो बोला सैलरी रहेगी 700 रियाल, वो भी आपको आगे बताऊंगा 700 रियाल क्यों उसने बताई दी। उसने बोला सैलरी 700 रियाल रहेगी, प्लस आपको खाने का खाना मिलेगा वहाँ पे कंपनी में, और प्लस आपको ओवरटाइम मिलेगी इसमें 700 रियाल। आप सोच सकते हो 700 रियाल, अगर सऊदी में बंदा अगर ढंग से खा ले, कोई अच्छे सामान खा ले, या अपने ढंग से हिसाब से खाना पीना बना कर खा ले, तो 700 रियाल का खर्चा महीने में बैठ जाएगा उसका, मोबाइल रिचार्ज से लेकर 700 रुपये महीने में बैठा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त 700 रुपये खर्चा करना खाने में। उसने 700 रुपये सैलरी बताई, तो क्यों बताई उसने, क्योंकि उसका काम है सच बोलना। वो जो ऑफिस था उसका काम था कि जो बंदा है, मैं उसको बता रहा हूँ, वहाँ पे उसको मिलेगा। अगर यही बीजेपी का कोई एजेंट होता है यहाँ गाँव का, तो क्या बोलता, तुमको चलो 1200 सैलरी मिलेगी, प्लस 200 मिलेगी, प्लस तुमको खाना मिलेगा, हो सकता है ओवरटाइम कुछ भी बता सकता था, ये मैं नहीं मानता, कुछ भी बता सकता था। तो उसमें बंदा फंस जाता है, क्या करेगा, उसमें बंदा फंस जाता है, तो फिर वो कोई चांस भी नहीं बचता उसके पास में। तो यही था दोस्त, बड़ा ऑफिस में और छोटे ऑफिस में ये फ़र्क होता है। मैं जब मुंबई गया था यहाँ से, जो मेरे एजेंट ने मुझे भेजा था, तो वहाँ पे मैं जो उसको बता रहा था, मैंने उसको पूछा, देखो मुझे फतेहपुर के एजेंट ने भेजा है, मैं यूपी में रहता हूँ, बाराबंकी जिला मेरा है, मैं फतेहपुर में रहता हूँ, मैं जो एजेंट किया था उसने मुझे यहाँ पे आपके ऑफिस में भेजा है। तो उसने मुझे क्या बताया, मैं एजेंट को जानता ही नहीं हूँ, सोच सकते हो आप लोग, समझ सकते हो खुद की है। उसने बोला मैं एजेंट को जानता ही नहीं, कौन एजेंट, बोला मैंने वीज़ा आपको दिया है, इसका पैसा मुझे मिला है, ठीक है, और इस काम में आप जा रहे हो, इस कंपनी में आप जा रहे हो। फिर भी उसने बात घुमाई, थोड़ी बात घुमाई, क्योंकि वो छोटा ऑफिस वाला था, छोटा भी नहीं, चोर ऑफिस वाला था। अभी बोलते तो चोर ऑफिस वाला था, मैं खुला बोलता हूँ, चोर ऑफिस वाला था। उसके ऑफिस का कोई नाम भी नहीं था, उसके ऑफिस का अगर आप उसका नंबर डालो तो उस पर लिखा होता मैन पावर एजेंसी, उसके और नंबर पे जो ट्रू कॉलर पे दिखाते, तो मैंने सब फर्स्ट टाइम देखा था, तो वहाँ पे लिखा था मैन पावर एजेंसी। उसका नाम था रफीक, जो ऑफिस का नाम था उसका रफीक नाम था, जिसने मुझे भेजा था यहाँ से फतेहपुर से, इसका अली नाम था, ये तो दलाल है। मैं मतलब आप ये समझे, देखिए मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं जब कोई बंदा जानता नहीं है, जब एजेंट से बात करते हैं, एजेंट से फंसते हैं, फिर वहाँ जाके रोते हैं, तो फिर उस बात पे हंसी आ रही है। और जब थोड़ी जानकारी होने के बाद समझ में आता है कि ये दलाल है, ये भी दलाल है, वो जो वहाँ ऑफिस में बैठे वो भी दलाल है, ठीक है, तो इस बात पे गुस्सा आती। और मैं जो अभी देखा हूँ, हालांकि फिर बहुत दुनिया भर में इतने ऑफिस पड़े हुए, इतने अच्छे अच्छे ऑफिस पड़े हुए, कि हो सकता है आपको अच्छा काम मिल जाए वहाँ पे, ये जो फंसाते हैं इनसे फिर हाल अच्छा काम मिल जाए आपको वहाँ पे, बहुत अच्छा मिल जाए तो आपकी किस्मत है, और फिर आया आपका नसीब है, बहुत अच्छा काम मिल जाए और अच्छी बात है। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, कि यहाँ से ये दलालों से अच्छा है, अगर आप किसी ऑफिस में अच्छे ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका पैसा भी कम लगेगा, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, और दूसरी बात काम भी आपको 70% चांस है आपको काम अच्छा मिलेगा, 30% नहीं बोल रहा, तो 70% गारंटी दे रहा हूँ काम अच्छा मिलेगा। और जब आप एजेंट से जाते हो, गाँव वाले एजेंट से, तो आप ये समझिए 20% चांस होता है आपको काम अच्छा मिले, 20% मात्र, 80% चांस नहीं होता। अगर 100 में से 100 लोग जा रहे हैं, तो उसमें 20 लोग को हो सकता है अच्छा काम मिल जाए, हो सकता है, 80 लोग को तो कंफर्म नहीं मिलेगा। तो कोई ना कोई कफील के पास फंस जाएंगे, कोई ना कोई मुसस्से में फंस जाएंगे, किसी ना किसी होटल में फंस जाएंगे, या किसी वकाले में फंस जाएंगे, या कहीं मॉल में फंस जाएंगे, वो फंसेंगे वहाँ पे। जो सैलरी उनको 1200 बताया होगा वहाँ पे 800 मिलेगी, 1600 बताया होगा वहाँ पे 1100 मिलेगी, 1300 बताया होगा वहाँ पे 900 मिलेगी, और फिर खाना पीना सब अपने पास से खाना पड़ेगा, 400-500 उसमें खाने में खा जाएंगे, 400-500 बचेगा वहाँ पे,
फिर वहाँ पे रोते हुए बोलेंगे इंडिया में पापा मम्मी मुझे बुला लो वहाँ से, ये प्रॉब्लम होती है। तो फ़र्क दोस्त मेरे दोस्त यही होता है कि कभी भी कोशिश करिए बड़े ऑफिस से कोशिश करिए जाने के लिए। अगर आप लोग को ऑफिस नहीं जानते हो, आप लोग को ऑफिस का नाम नहीं जानते हो, एड्रेस नहीं जानते हो, तो मैं पूरा वीडियो बना के डालूँ उसके ऊपर। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी आप लोग को। जाइए उसमें वीडियो पे टच करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। आप लोग PDF पे जाके 1225 ऑफिस उसमें चेक कर सकते हो आप, सब मेन पावर एजेंसी। अपने हिसाब से देख के समझ के उसमें कि क्या बोलते हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस आपको होगा ही। कहीं आप लोग जा रहे हो नहीं तो आपका कोई दोस्त कोई रिश्तेदार गया होगा, कुछ तो आप समझ सकते हो कि हाँ गलत बोला झूठ सही बोल रहा है। आप लोग जाके अपने हिसाब से देख के उसमें फिर वीजा लगवा के आप लोग जा सकते हो। सऊदी जाओ, दुबई जाओ, कुवैत जाओ, कतर जाओ, ओमान जाओ, बहरीन, मलेशिया, कहीं भी आप चले जाओ, क्योंकि उन लोग ऐसे ऑफिस ही है कि वो काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो बस यही था दोस्त, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मगर जानकारी आपको क्लियर मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जाओ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।